हाय फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 कुछ रीजन से डिले होती जा रही है, क्योंकि फिल्म की कहानी तरन मनसुखानी ने जो पहले स्क्रिप्ट लिखी थी वो करण जौहर को इतनी पसंद नहीं आई थी, वो चाह रहे थे इसमें कुछ चेंजेस लाएं। और दूसरा गंभीर रीजन ये है कि फिल्म के कैरेक्टर हैं गे, जिसे करने के लिए अर्जुन अभय और रितेश देशमुख मना कर चुके हैं, जिसे अभिषेक और जॉन ऑलरेडी मना कर चुके थे। तो अब कैसे होगा, ये फिल्म में गे हीरो कहाँ से ढूंढे जाए, तो फिल्म बने कैसे? अब दोस्तों, अब ऐसे ऐसे कैसे कैसे कौन ये फिल्म बनाए, कहाँ से लाए ढूंढ के ऐसे हीरो जो गे बन जाए। वैसे करण जौहर को रूबी की सजेशन है कि क्यों ना ओरिजिनल आर्टिस्ट ढूंढ लिया जाए, ओरिजिनल गे ढूंढ लिया जाए, और फिल्म में कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, फिल्म हिट हो जाएगी, और यहाँ चले ना सही फिल्म ओवरसीज तो चली जाएगी। और रही बात हीरोइन की, तो फिल्म की हीरोइन है कैटरीना कैफ, तो एक्टिंग का स्कोप तो आप भूल ही जाओ ना बॉस, है ना, बस गर्मा गर्म सीन फिल्माओ और छा जाओ। वैसे भी आजकल सी ग्रेड की फिल्मों को ए ग्रेड की फिल्मों की तरह फिल्माया जा रहा है और अच्छी तरह से प्रमोट की जा रही है, और घर घर जाकर प्रमोट की जा रही है, और कहा जाता है कि आओ बहनों और भाइयों, लोगों लुगाइयों, बच्चे बूढ़े और जवान, देखो ये अश्लीलता की तस्वीरें, खोल लो अपने मुँह आँख और कान। एनीवेज, करण जौहर को मेरी विश है उनकी दोस्ताना 2 के लिए कि ये आपकी फिल्म हिट हो जाए और उन्हें मिल जाएंगे ऐसे हीरो जो फिल्म में फिट हो जाए, क्योंकि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, एंड ऐसे ही हमारा आपका भी दोस्ताना सलामत रहे। डोंट फॉरगेट यू वॉचिंग रूबी अनसेंसर्ड।